अनुनागर स्टूडियो विक्स एंड हेयर एक्सटेंशन का हुआ उद्घाटन। दोस्तों, दिल्ली के प्रीत विहार विकास मार्ग पर अनुनागर विक्स एंड हेयर एक्सटेंशन स्टूडियो का उद्घाटन हुआ है। दोस्तों, अनुनागर ने बताया कि उनके स्टूडियो में महिलाओं और पुरुषों के बालों से संबंधित हर समस्या का समाधान किया जाएगा और हेयर एक्सटेंशन, हेयर विक्स, मेडिकेटेड विक्स एंड फैंसी विक्स, मैन हेयर पैचेस, सभी प्रकार के हेयर एक्सटेंशन आदि हेयर से जुड़े सभी काम किए जाते हैं और उनकी स्पेशलिटी कीमो पेशेंट के लिए बनाई गई मेडिकेटेड विग्स हैं और हेयर को सुंदर बनाकर पर्सनालिटी को निखारने से जुड़े सभी काम किए जाते हैं। दोस्तों, यहां आपको 100% नेचुरल हेयर्स और बहुत सी उत्तम क्वालिटी की विग्स भी उपलब्ध होंगी। दोस्तों, नागर का कहना है कि दिल्ली NCR में इस तरह का पहला ऐसा हेयर एक्सटेंशन स्टूडियो होगा जहां पर उपभोक्ता की सुविधा और सौंदर्य का भी ध्यान रखा जाएगा। दोस्तों, अनुनागर ने बताया कि वह खुद भी अपने बालों का बहुत ही ख्याल रखती हैं और वह मिसेज यूनिवर्स, मिसेज इंडिया ब्यूटीफुल हेयर 2018 का खिताब भी जीत चुकी हैं। साथ ही कई अन्य उपलब्धियां जैसे मिसेज उत्तराखंड मोस्ट ब्यूटीफुल हेयर 2018 के अलावा अनेकों नेशनल व इंटरनेशनल खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। दोस्तों, अनुनागर महिला उद्यमी के साथ साथ इंडियन सिनेमा एकेडमी ICA की CEO भी है। कार्यक्रम में पहुंचे अतिथि गुरुचरण सिंह राजू ने कहा कि अनुनागर एक बहुत ही प्रतिभावान, प्रतिभाशाली और कुशल पर्सनालिटी हैं। इन्होंने फैशन के क्षेत्र में अपना नाम बनाया है, वह महिलाओं की आइडियल भी हैं। दोस्तों, कार्यक्रम शुभारंभ में मुख्य रूप से अतिथि गुरुचरण सिंह, मंजीत सिंह कार्टहार्ट ब्रांड ओनर, पंचायत परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल शर्मा, हिंदू युवा वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव महेंद्र नागर, रवि गुप्ता, अमन, विक्की मल्होत्रा, अनिल अरोड़ा, तरुण कुमार, संजय अधिकारी, सचिन नागर, नितिन नागर, सोहन लाल, ऐश्वर्य कुबेर, शिवाया सपना, रोहित शर्मा, एडवोकेट विजय गुप्ता आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित थे। My heartiest congratulations to Miss Anu Nagar on the successful journey of this wigs and hair studio. Congratulations, ma'am. Ma'am, आपको क्या लगता है कि इस तरीके से जो ट्रांसपेरेंसी का है, वुमेन्स को कितनी हेल्प मिलती है इस टाइप के ट्रीटमेंट से? वुमेन्स को अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए हेल्प मिलेगी, नॉट ओनली वुमेन्स, मेंस को भी बूस्ट करने की। लाइक आज की जनरेशन अपने आप को लाइक फैट समझती है, लाइक फैशन एक्सपर्ट समझती है, तो इसमें बहुत हेल्प मिलेगी उन सबको। तो क्या लगता है अनुनागर जी का स्टेप कैसा है? बहुत अच्छा स्टेप है, इनोवेटिव स्टेप है, आज के जनरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है। मैं अनुनागर जी को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और हार्दिक बधाई कि उनका काम बहुत अच्छा चले। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो उन्होंने इसको दिल्ली में लॉन्च किया और डेफिनेटली जिससे दिल्ली के लोगों को बहुत अच्छी सर्विसेज मिलेगी। मैं अपनी तरफ से फिर एक बार हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई अनुनागर और महेंद्र नागर। आज जो ये अनुनागर स्टूडियो विक्स और हेयर एक्सटेंशन का स्टूडियो खुला है एंड शहर का पहला स्टूडियो है, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना है। मैं मिसेज अनुनागर को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ कि जल्दी पूरा NCR में उनके स्टूडियो भारी मात्रा में जल्द से जल्द। सर, मेंस को क्या लगता है कि इसकी कितनी ज़रूरत होती है? आज के समय में जो हेयर से वो पूरी जो है आपकी स्टाइलिश ही नहीं रहता है। अगर किसी के हेयर्स कम हैं या हेयर्स नहीं हैं तो फेस बिल्कुल अधूरा रह जाता है, और अगर ये जो अनु जी ने अपनी पहल की है तो ये बहुत अच्छी पहल है कि आदमी को खुशी देने के लिए, उसको खूबसूरत बनाने के लिए आपका जो ये स्टार्टिंग है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना रहता है। मैंने इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पे हेयर एक्सटेंशन को लेकर कोई ऐसा आउटलेट है नहीं जो कि पब्लिक में सर्विस दे पाए, सो मैंने इसलिए प्रीत विहार को चुना। प्रीत विहार एक्चुअली क्या है, गाज़ियाबाद भी कवर करता है, NCR भी कवर करता है एंड दिल्ली के मोस्ट एरियाज भी कवर करता है, सो मैंने इसको। मैम, आपने इतने सारे टाइटल जीते हैं मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया के, उसके बाद आपका इस आउटलेट को खोलने का क्या माइंड में आया? मैंने 2018 में IAB मिसेस ब्यूटीफुल हेयर, मिसेस इंडिया ब्यूटीफुल हेयर टाइटल जीता और ब्यूटीफुल हेयर को लेकर मैंने बहुत सारे टाइटल्स जीते हैं, और मैं लास्ट 2019 मिसेस यूनिवर्स IPW भी रही हूँ। तो मुझे लगा कि मतलब ब्यूटी को इन्हेंस किस तरीके से करा जाए, मतलब सोसाइटी में भी लोगों को किस तरीके से बताया जाए कि आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से कर सकते हैं,
तो मैंने तब मेरी को ये आइडिया आया और मैंने फिर इसको हेयर एक्सटेंशंस में वर्क करना स्टार्ट करा और फिर मैंने प्रॉपरली अपनी एक एकेडमी बनाई, इंडियन स्लिम एकेडमी। दैन मैंने उसके अंदर अनु नागर स्टूडियो करके स्टूडियो आउटलेट मैंने फर्स्ट आउटलेट प्रीत बिहार में। क्या क्या सर्विसेज इस स्टूडियो के थ्रू मिल पाएगी कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को? इसमें हम हेयर एक्सटेंशन करेंगे, लाइक अगर किसी के बाल छोटे हैं और वो बड़ा अपने बालों को लॉन्ग दिखाना चाहती हैं, या किसी के हेयर्स नहीं हैं या फिर किसी के हेयर्स कम हैं, तो उनको फिल करके नॉन सर्जिकल करके प्रॉपरली, तो हम इसको इस तरीके से हमने प्लान करा। एंड इसमें मोस्ट जो हमारे पास प्रीमियम चीज़ है वो है विक्स। हमारा जो एक्सटेंशन है हेयर है वो 100% ह्यूमन हेयर है, 100% और प्रीमियम क्वालिटी है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, मतलब सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, सभी लोग इसको यूज़ कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, तो सब इसका फ़ायदा उठा। जैसा कि गवर्नमेंट ने कोरोना को देखते हुए बहुत सारी गाइडलाइनें जारी कर दी हैं सभी स्पा के सर्विस के लिए, क्या आप लोगों सभी पैरामीटर को फॉलो करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो देखिए ग्लोबल प्रॉब्लम है कोविड-19, इसको तो अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो इस चीज़ को तो पहले देखना पड़ेगा, तो बिल्कुल फॉलो करें। आजकल का युवा जो है कि वो आइकॉन है जो अपने स्टैंडर्ड को, अपने ब्यूटी लुक को देख करके रखता है, तो आप यूथ को क्या कहना चाहेंगे? यूथ को मैं ये बोलना चाहूँगी कि अपने को अगर आपने बदलना है या आप चाहते हैं कि कुछ, जैसे कि बाई चांस मैं हेयर पे वर्क करती हूँ तो मैं आपको हेयर पे बोलना चाहूँगी, किसी को अपने आप को, मतलब कोई भी पीपल है, कोई भी पर्सन है, उसके हेयर कम है या फिर उसको हेयर छोटे हैं, बिग नहीं हो रहे हैं, और वो ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में चाहता है अपना, सबसे पहले अपनी ना अपनी खुद की हैप्पीनेस होती है, तो जब हम अपने आप को खुद हैप्पी करते ना तभी हमें हर चीज़ खूबसूरत लगती है, तो हमें इसलिए। और बाल एक हमारे ऊपर एक ऐसी चीज़ होती है, हेयर एक ऐसी चीज़ है कि जिससे कि हम अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अपने लुक को पूरा चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए हैप्पीनेस के लिए भी आप लेकर चल सकते हैं, खुशी बालों से खुशी भी मिलती है। मैम आप जो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट नया लाए हैं, क्या इसके बाद प्लान है और भी कुछ स्टूडियोज या और ब्रांचेस खोलने का? बिल्कुल, मुझे मैं बिग्स में वर्क कर रही हूँ। एक्चुअली हमारी जो बिग है वो कीमो पेशेंट के लिए स्पेशली बिग है, कीमो पेशेंट को ध्यान में रखकर हमने बिग को बनाया है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कराई है मैंने, कि कीमो पेशेंट जो होता है वो ऑलरेडी, मतलब उसको बहुत प्रॉब्लम रही होती है अपनी लाइफ में, तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा बिग है, और बिग हमारे पास बॉलीवुड बिग सारी बिग की वैरायटी है और सब प्रीमियम रेंज में है और जिसे सब लोग यूज़ कर सकते हैं। और बिग की मार्केट तो देखते हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं, बहुत सारे सेंटर जो बिग को और हेयर ट्रांसप्लांट का काम करते हैं, तो आप उनको एज ए कॉम्पिटिशन कैसे देखते हैं, क्या ऐसा खास रहेगा आपके पास जिससे कि लोग उनको छोड़ के आपकी तरफ आए? देखिए कॉम्पिटिशन हमारा नॉन सर्जिकल वर्क है और ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल वर्क होता है, तो ट्रांसप्लांट जो होता है एक बहुत कॉस्टली वर्क है, और जो हमारा नॉन सर्जिकल वर्क है जिसमें हम पैचेस वगैरह भी लगाते हैं, हेयर पैचेस हैं और ये हेयर एक्सटेंशंस हैं और ये इसमें आपके क्लिपॉन्स हैं, तो इसमें क्या है आप अपने लुक को ईजिली चेंज कर सकते हैं, आपको इतना पैसा खर्च करके और इतना डीपली ये सब करके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इनकी सेटिंग्स में। हमारे यहाँ क्या है, कंपटीशन की कोई बात ही नहीं रहती है इधर, क्योंकि वो सर्जिकल वर्क है, हमारा नॉन सर्जिकल वर्क है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हमारा होता है एक्सपेंसिव। सारी शुभकामनाएं।